संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के नेताओं संग शांति से संसद चलाने पर मंथन। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद। संसद के एनेक्सी भवन में चल रही सर्वदलीय बैठक, सोमवार को सदन के पहले दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी, मॉनसून सत्र पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर भी चर्चा होगी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी में होनी है मीटिंग। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई, मीटिंग वेंकैया नायडू के घर पर शाम 6 बजे होगी। राहुल गांधी आज विदेश से लौट जाएंगे, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विदेश गए राहुल गांधी आज स्वदेश लौट जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले यशवंत सिन्हा, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, केवल एक पक्षी संविधान के मूल्यों की रक्षा करना चाहता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सभी सांसदों और विधायकों से अपील की, कहा अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश, सांबा सेक्टर में पाकिस्तान सीमा पर देखा गया ड्रोन, ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी। सांबा सेक्टर में एलओसी पर अलर्ट हुई सेना, इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पंजाब के पठानकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी ड्रोन को भगाया, सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर 46 राउंड की फायरिंग। भारत और चीन के बीच आज 16वें दौर की मिलिट्री वार्ता, चुशूल मोलजो में मिलिट्री लेवल की बातचीत जारी। भारत और चीन सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास सैनिकों की वापसी पर चर्चा, भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता कर रहे हैं लीड। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी का दौरा किया, चीनी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। शिवपाल सिंह यादव ने पत्र में लिखकर कहा, सिन्हा ने मुलायम सिंह को आईएसआई का एजेंट बताया था, अखिलेश ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें। पटना में आतंकी मॉड्यूल मामले से यूपी से तार जुड़े, लखनऊ से वकील नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया, पीएफआई मामले में ये चौथी गिरफ्तारी। आरोपी नूरुद्दीन कोर्ट पीएफआई से जुड़े लोगों की पैरवी करता है, नई दिल्ली की अदालतों में पीएफआई के लोगों की पैरवी करता है। पटना पुलिस की तरफ से दायर एफआईआर में 19 का नाम है नूरुद्दीन जंगी का, बिहार के कई जिलों में कार्रवाई जारी। पटना पीएफआई मामले में फुलवारी शरीफ के एसपी मनीष कुमार ने कहा, गिरफ्तार आरोपी बरगूप के मोबाइल पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी के हैंडलर्स के मिले मैसेजेस। बिहार के बाद देश में विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़े, एनआईए एटीएस और पटना पुलिस ने पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश शुरू की। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, मेट्रो स्टेशन पर दो नमाजी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे। लुलु मॉल के बाद अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज, स्टेशन पर नमाज पढ़ते देखे कुछ लोग। अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी, प्रशासन ने टीम गठित की, 120 मदरसे में सिर्फ 33 मदरसे ही आधुनिकीकरण पर आधारित है। यूपी में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले, कुंवर अनुपम सिंह एसपी कन्नौज बने तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को वेटिंग में भेजा गया, अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी ट्रैफिक बनाए गए। लखनऊ में लुलु मॉल विवाद मामले में पुलिस पर गाज, डीसीपी दक्षिण गोपाल चौधरी हटाए गए, सुशांत कोल सिटी थाना इंचार्ज में लाइन हाजिर। यूपी के कासगंज में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, जी मीडिया की पड़ताल में खुलासा। मदरसों में बेसिक शिक्षा का भी अभाव है, मदरसे के नाम पर केवल लाभ कमाने के उद्देश्य, जी मीडिया ने दिखाया मदरसों का सच। यूपी के कौशाम्बी में मासूम बेटे का शव लेकर एम्बुलेंस के लिए भटकता रहा पिता, मीडिया के दखल के बाद मुहैया करवाया गया एम्बुलेंस। यूपी के अमरोहा में योगी सरकार का अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीन पर बनाया गया था मदरसा। महाराजगंज पीएससी ने फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे 7 शिक्षकों को बर्खास्त किया, मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। मेरठ में कसीनो पर छापेमारी, पुलिस ने 10 नेपाली लड़कियों सहित 43 लोगों को गिरफ्तार किया, लाखों रुपए बरामद। सीतापुर में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, एसटीएफ के सीओ अनीश्वर चंद श्रीवास्तव की टीम ने छापेमारी कर 327 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की, 3 तस्कर गिरफ्तार किए। बागपत में हेलमेट लगाकर रोडवेज बस चलाते हुए ड्राइवर का वीडियो वायरल, बस का कांच टूटे होने के कारण ड्राइवर ने हेलमेट लगाया। कानपुर में वर्चस्व को लेकर 2 गुट में भिड़ंत, पेट्रोल पंप पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जमकर चले लात घूंसे और लोहे की रॉड से पीटा गया, बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा बाईपास का मामला।
कानपुर में रेस्टोरेंट में शराब परोसने की सूचना पर छापा, आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापे की सूचना लीक होने पर रेस्टोरेंट में नहीं मिली शराब। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में पिता की मौत हुई, बेटी की हालत गंभीर। रायबरेली में पत्नी से कर्मचारी के प्रेम प्रसंग होने पर पति युवक को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने खुलासा किया। अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिली युवती की युवक की लाश, परिजनों ने आरपीएफ कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। प्रयागराज के महाधिवक्ता कार्यालय में भीषण आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, आग बुझाने में लगा दमकल विभाग। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर महिला की मौत, कान्हा के भजन पर नाचते हुए जमीन पर गिरी महिला, मौके पर मौत, मौत का लाइव वीडियो आया सामने। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश और एक सिपाही मुठभेड़ में घायल, नवाबगंज हत्याकांड के आरोपी हैं दोनों बदमाश। यूपी के प्रतापगढ़ में दारोगा को गोली मारने की धमकी, वीडियो में युवक दे रहा है खुलेआम धमकी, दुश्मनी के कारण गोली मारने की धमकी, वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ कोर्ट में वकीलों में मारपीट, बहस के बाद आपस में भिड़े वकील, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के महाराजगंज में बारिश न होने से परेशान एक सभासद ने खेत में जाकर अल्लाह को याद करते हुए दुआ अदा की, वीडियो वायरल। बलिया में शिक्षक के तबादले पर फूट फूट कर रोए छात्र, शिक्षक भी बच्चों को सीने से लगाकर बिलखते हुए नजर आए, वीडियो वायरल। श्रावस्ती मेहवान पति ने पत्नी और बच्चों को डंडे से पीटा, हैवान पति का बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। कौशाम्बी में पौधारोपण के नाम पर विभाग को बदनाम करने वाला वीडियो, सरकारी कर्मचारी ने जिला पंचायत परिसर में एक पौधा गड्ढे में रखकर फोटो खिंचाई, बाद में पौधा लेकर गए वापस। बहराइच में मारपीट का वीडियो वायरल, जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बने रहे तमाशबी। मेरठ में रैन बसेरों में अय्याशी कर्मचारियों की मिलेभगत से शराबी और अय्याश रैन बसेरे में काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। उमस भरी गर्मी ने सिद्धार्थनगर जिले में बढ़ाया बीमारियों का ग्राफ, जिले में वायरल फीवर से भारी संख्या में लोग बीमार हुए, लोगों को अस्पताल में इलाज जारी। भदोही सराफा व्यापारी से असलेह के दम पर लूट का मामला, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, 41 ग्राम पीली धातु और 314 ग्राम सफेद धातु बरामद। हरदोई में बेटी और भाइयों के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या की, संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला था ऑटो चालक का शव। शामली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिन मीटर और कनेक्शन के भेजा 40,000 रुपए से ज्यादा का बिल, अधिकारी ने दिए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। ललितपुर के बमोरी सर गांव में अजगर का खौफ, बकरी को निवाला बनाते अजगर का वीडियो वायरल। आगरा में जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया, बढ़ते जीएसटी के दामों को लेकर व्यापारियों में गुस्सा, एक दिन की हड़ताल पर पहुंचे सभी व्यापारी। आगरा में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती का मामला, नागपुर से दिल्ली के लिए हाथों में तिरंगा लेकर पैदल निकले युवा, वर्दी दो या अर्थी दो के नारे लगाए। शामली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी, एक फरार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी के गैंग के सदस्य मुठभेड़ में घायल। नोएडा सेक्टर 12 में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 5 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी एसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया, नोएडा के सेक्टर 59 के B36 में चल रहा था सेंटर, मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के डंडनिया गांव में खेत की मेड़ को लेकर विवाद, दोनों तरफ से 5 लोग घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। अयोध्या के मलकीपुर तहसील में तैनात लेखपाल के निजी सचिव और अधिवक्ता में झड़प हुई, अधिवक्ताओं ने निजी सचिव पर जमकर बरसाए थप्पड़। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद, महिला की आंख में मिर्च पाउडर डालकर बदमाशों ने सोने की चेन लूटी। बस्ती के कलवारी थाना में पुलिस पर पीड़ित को थर्ड डिग्री देने का आरोप, पीड़ित ने सिपाही आनंद कुमार के आईजी से शिकायत की। झांसी में दुकानदार से सिगरेट लेने के दौरान विवाद हुआ, फायरिंग में 3 लोग जख्मी। आगरा में पैसों को लेकर माता पिता ने बेटी की हत्या की, बेटा चोरी छिपे कर रहा था अंतिम संस्कार, मृतक के ससुर ने पुलिस को सूचना दी, अजले शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में रोडवेज की 2 बसों में टक्कर, हादसे में 7 यात्री घायल। जालौन में सिलेंडर में आग लगने से वैन बनी आग का गोला, वैन में लगी भीषण आग का वीडियो आया सामने, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में खेत में रखे चारा में आग लगने से नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, चरा थाना क्षेत्र के सियावली गांव की घटना। होनाव से अमरनाथ गए 2 लोगों की मौत, बादल फटने से हादसे का शिकार हुआ। देहरादून में हरेला पर्व पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
उधम सिंह नगर में आधा दर्जन चोरी के मोटर्स के साथ सात अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तराखंड की टिहरी में दिगू वाटरफॉल में डूबा लड़का। एसडीआरएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। देहरादून निवासी रोहित रावत के रूप में मृतक की पहचान। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर सीएम केजरीवाल का पलटवार। कहा बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना, क्या फ्री की रेवड़ियां बांटना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 18 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। समय से पहले हुई बारिश से एक दर्जन से ज्यादा लिंक मोटर मार्ग भी बंद। देश के 25 राज्यों में भारी बारिश से जल सैलाब। गुजरात, केरल, असम, तेलंगाना सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में भी खतरा बढ़ा। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश से जल प्रलय। बाढ़ में डूबे कई गांव। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद तबाही मचाने को आमादा। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई नदियां डैम के गेट खोलने से भी मुश्किलें बढ़ी। उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क का एक हिस्सा खाई में बह गया। रास्ता बंद हुआ। अहमदाबाद में आसमान से बरसती आफत। देखते ही देखते धस गई सड़क। सड़क पर बने गड्ढे में पानी भरा। मेट्रो पिलर को खतरा बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कई जगह सड़कों पर पानी भरा। गाजियाबाद में भी जमकर बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कुछ इलाकों में जलजमाव की खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। 18 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना। पूरी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरा। राजस्थान के झुंझुनू में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ। निचले इलाकों में पानी भरने से जगह जगह जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। लगातार बारिश के बीच बांध के ऊपर से बहने लगा नदी का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना सामने आया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आज पाकिस्तान के पंजाब की 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। पीएम शहबाज शरीफ की और इमरान खान की पार्टी के बीच सीधी टक्कर। शिनचियांग प्रांत के दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान। कहा चीन में इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में हमला करने का दावा किया। यूक्रेन में टोचका यू मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह किया। रूस ने रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। रूस ने यूक्रेन के खारकीफ में किया मिसाइल से हमला। मिसाइल स्ट्राइक के बाद खारकीफ के गांव में बिगड़े हालात। दूर आयशी इमारतें और अस्पताल तबाह। हमले में 3 लोगों की मौत। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा में रॉकेट दागे। रूसी हमले के बाद ओडेसा के गोदाम में आग लगी। गोदाम से काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। फ्रांस में जंगल की आग ने मचाई तबाही। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा के जंगल चपेट में आए। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा लोगों के घर खाली कराए गए। मोरक्को के जंगलों में भीषण आग लग गई। आसमान में छाया काला धुआं। ताजा लाराचे जैसे शहरों में कुल 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल की जमीन बर्बाद हुई। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में दागी मिसाइल। मिसाइल स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल। इटली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। इटली के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। स्पेन में हीट वेव के चलते बिगड़े हालात। जंगलों में भीषण आग लगी। 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। आग को बुझाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी के 2 आरोपी गिरफ्तार। कैलिफोर्निया में 11 जुलाई को हुई थी शूटिंग की घटना। कच्चे तेल के संकट के बीच श्रीलंका ने रूस से बात की। कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए चर्चा हुई।